अस्सलाम वालेकुम जी इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम पर्सपेक्टिव ग्रिड्स और उससे पहले मैं आपके साथ कुछ कंपोजिट्स की इंस्पायरेशन शेयर करना पसंद करूँगा कि कंपोजिट्स क्या चीज़ है एंड हाउ फोटोशॉप अलाउज़ अस टू क्रिएट कंपोजिट्स ठीक है जी तो यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है दैट इज़ एरिक जो डॉट कॉम और यहाँ पे कुछ आपको कंपोजिट्स नजर आएंगे सो वट आर कंपोजिट्स कंपोजिट्स एक्चुअली अ मिक्सअप ऑफ डिफरेंट इमेज या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू क्रिएट वन इमेज ठीक है जी जैसा कि आपको यहाँ पे एक कंपोजिट नजर आ रहा है तो यहाँ पे आपको एक प्लेन uh, बैकग्राउंड uh, नजर आ रहा है उसके साथ एक स्काई है Uh, यहाँ पे एक इट्स सीम्स टू बी सन और सन को हैंग किया हुआ है एक वेल well के अंदर uh, तो यहाँ पे ये डिफरेंट कंपोजिट्स हैं फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है सन की इसके अलावा ये एक सेकेंड इमेज है और ये बैक साइड पे एक थर्ड इमेज है ठीक है एंड पॉसिबल है कि जो लोग इसको देख रहे हैं ये किसी और इमेज से लिए गए हैं सो so, यहाँ पे मल्टी मल्टीपल इमेजेस को एक इमेज के अंदर कंबाइन किया गया है सो so, एक और कंपोजिट देखते हैं तो यहाँ पे भी डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन किया गया राइट सो यहाँ पे आपको एक डिफरेंट तरह का कंपोजिट नजर आएगा यहाँ पे एक डिफरेंट कंपोजिट नजर आएगा सो इन कंपोजिट्स के अंदर पर्सपेक्टिव का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप जब भी कंपोजिट्स क्रिएट करने जा रहे होते हैं तो यू शुड हैव टू कंसिडर कि आप जिन इमेज़ को आपस में कंबाइन करने जा रहे हैं उनका हॉराइज़न सेम होना चाहिए उनका पर्सपेक्टिव सेम होना चाहिए ठीक है उनका जो कैमरा एंगल है वो जितना सेम होगा जितना सिमिलर होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स आपके पास आएंगे सो so, एक ही आपके पास पर्सपेक्टिव है कंपोजिट है और आपको मज़ीद कुछ कंपोजिट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ठीक है सो so, दीज़ और ऑल इंस्पायरेशंस फ़ॉर अस जो कि हम लोग फोटोशॉप को यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हैं अभी तक जो हमने टूल्स लर्न किए हैं वो सारे टूल्स हमें हेल्प करते हैं टू क्रिएट द कम्पोजिट्स टू एड द इमेज़स और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं ठीक है जी तो आप इस वेबसाइट पर जाएँ और यहाँ पर जाके और मज़ीद कुछ कंपोज़िट्स को देखें और यहाँ से इंस्पायरेशन लें इसके अलावा जी बिहाइंड द सीन वाले सेक्शन में जाके आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस भी मिलेंगी कि अगर ये कंपोजिट क्रिएट किया गया तो इसके पीछे स्टोरी क्या है ठीक है ये कैसे स्टार्ट हुआ क्या कॉन्सेप्ट था किस तरह से इमेज़ कैप्चर की गई और उसके बाद उसको फ़ोटोशॉप में जाके एडिट किया गया ठीक है जी तो डिफरेंट तरह के कंपोजिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और बिहाइंड द सीन वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू लर्न दैट हाउ कंपोजिट्स आर एक्चुअली क्रिएटेड ठीक है ये कुछ इमेज ली जा रही हैं उससे पहले हमने देखा कि कुछ कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया गया और आ, उससे पहले जोन सा है वो Uh, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स uh, को बनाया गया जो कि इस इमेज़ में यूज़ होंगे सो डिफ़रेंट इमेज़ से डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स क्रॉप किए जा रहे हैं और उसको इस वाली इमेज में यूज़ किया जाएगा और पर्सपेक्टिव दोनों इमेजेस का सेम है जो कि यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं तो ये फ़ोटोशॉप के अंदर ला के एक बेहतर कंपोजिट क्रिएट किया जा रहा है so this is how you can actually create the composites so it's very important to learn about the perspective grid uh, तो यहाँ पर Photoshop के अंदर आते हैं और देखते हैं कि perspective grid कैसे create की जाती है तो कुछ basics को देखते हैं जी यहाँ पर मैं एक file create कर लेता हूँ and that is वन थाउजेंड बाई वन थाउजेंड पिक्जल्स इसको एक नाम दे लेते हैं जी पर्स पैक्टिव ग्रिड ठीक है जी तो ड्राइंग के अंदर आर्ट के अंदर आप कुछ भी क्रिएट करने जा रहे हैं तो आपको एक पर्सपेक्टिव चाहिए होगा ताकि आप ये दिखा सकें कि डिफरेंट एंगल से अपने ऑब्जेक्ट को दिखा सकें और अगर आप, आपने उसको करीब लेकर आना है ऑब्जेक्ट को कोई ऑब्जेक्ट आपने करीब दिखाना है कोई ऑब्जेक्ट दूर दिखाना है तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर करें तो वो सही पर्सपेक्टिव में आपसे दूर होना चाहिए वाकई पता चलना चाहिए कि ये इसी इमेज का पार्ट है और एक रियलिस्टिक इफ़ेक्ट आपके सामने आना चाहिए सो यहाँ पे हमारे पास एक कैनवस है इसको हम थोड़ा सा एंड लार्ज कर लेते हैं तो मैं क्रॉप टूल में जा रहा हूँ मैंने कॉन्टेंट एवेर ऑफ किया हुआ है सो नाउ यू नो के क्रॉप टूल क्या करता है ठीक है और ये जो मेरे ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं अगर मैंने इसको फ़िल करना है तो मैं अपने कीबोर्ड से कमांड कंट्रोल डिलीट प्रेस करता हूँ ठीक है जी तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं ब्रश टूल को इस्तेमाल करते हुए मैं न्यू लेयर में जाता हूँ और कंसडर करते हैं जी ये बिल्कुल मिडल है मैं शिफ्ट को प्रेस कर रहा हूँ साथ और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी गई इसके बाद हम कुछ ग्रिड लाइंस को यहाँ पे ड्रा करते हैं तो ग्रिड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे पॉलीगॉन टूल का इस्तेमाल करूँगा ठीक है पॉलीगॉन टूल पे मैंने क्लिक किया इसके बाद मैं इसकी साइड्स हंड्रेड सेट करूँगा और इसकी सेटिंग्स में जाके जो स्टार है उसको ऑन करके इंडेंट साइड्स बाय नाइन्टी नाइन परसेंट कर दूंगा ठीक है जी इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव ग्रिड क्रिएट करते हैं और दिस इज़ नोन एज़ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ठीक है तो मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और शिफ्ट को भी प्रेस कर रहा हूँ इसको ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और दोबारा इसको ड्रॉ करते हैं ओके ठीक है जी तो ये हमारे पास एक कैनवस है और हम इस कैनवस के ऊपर एक पर्सपेक्टिव ग्रिड क्रिएट कर चुके हैं तो अब अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट इस पर्सपेक्टिव के ऊपर बनाएंगे तो वो एक्चुअली डायरेक्ट कर रहा होगा वो पॉइंट कर रहा होगा इस इस स्पेसिफ़िक पॉइंट की तरफ और इसको हम कहते हैं जी वैनिशिंग पॉइंट ठीक है और ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं हॉराइज़न लाइन ठीक है तो यहाँ पे कुछ चीज़ चीज़ें ड्रॉ करते हैं जी फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से ब्रश लेता हूँ लेयर्स में जाता हूँ यहाँ से एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ और नीचे एक हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं कोशिश करते हैं कि दोनों साइड से इक्वल हो ठीक है और यहाँ से इसको पॉइंट करते हैं टूवर्ड्स सेंटर राइट जी यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास एक स्केयर बन गया अगर मैं लेयर्स में जाता हूँ और यहाँ से इरेजर टूल सेलेक्ट करता हूँ ओके सॉरी ओके ठीक है जी इस लाइन को ज़रा रिमूव कर देते हैं तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और ये एक्चुअली इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि इस पर्सपेक्टिव में ये फ्लोर के ऊपर इसको हमने ले डाउन किया हुआ है। तो अगर हम इसको अपने से दूर लेके जाना चाहते हैं तो इसका क्या तरीका है जी इसका तरीका ये है कि मैं दोबारा से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ठीक है और इस लाइन को हम लोग यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं और फिर उसको यहाँ पे लाके मिला देते हैं ठीक है अगर ये रेक्टेंगल हमारे से दूर होता तो वो कुछ इस तरह से नज़र आता ठीक है इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है आ, लेकिन एक्चुअली इसका जो एंगल है वो कुछ इस तरह से एडजस्ट होता तो कुछ इस तरह से जो पर्सपेक्टिव ग्रिट है ये हमें हेल्प करता है कि अगर हम कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं अपने प्लेन के अंदर तो उसके एंगल्स को किस तरह से एडजस्ट किया जाए ताकि जब उसके डिस्टेंस को चेंज किया जाए तो वो सही पर्सपेक्टिव में सही एंगल्स पर वो अपने आप को चेंज करें सो इसका एक और बेहतर तरीका है कि यहाँ पर मैं अपने ले टू में जाके कमांड uh, को प्रेस कर रहा हूँ और इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसने ये जो मेरी रेक्टेंगल uh, था इसको सेलेक्ट कर दिया इसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो ये इसको फ्री ट्रांसफॉर्म में लेके जा रहा है इसके बाद जो इसका सेंटर पॉइंट है मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको रीसाइज करूँ तो ये इसको बिल्कुल इस सेंटर के अकॉर्डिंगली रिसाइज़ करें ठीक है जैसा कि आ, अगर मैं इसको यहाँ से रिसाइज़ करूँ तो मैं ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ और मैं इसको रीसाइज कर रहा हूँ ठीक है तो अब आप देख सकते हैं कि अगर इसका वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पे है तो ये दूर जाता जाता को हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा तो एक ये मेथड है जी इसको यहाँ पे चेक करते हैं सो so, जो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया था उसको हमने अपने से दूर मूव कर दिया। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स ठीक है और पर्सपेक्टिव ग्रेड कुछ इस तरह से इम्पॉर्टेंट है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे कुछ और चीज़ें क्रिएट करते हैं जैसे मैं यहाँ पे एक ब्रश टूल से हम एक बिल्डिंग बनाते हैं ठीक है जी और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको तो हम रेजर से रिमूव कर लेते हैं ठीक है दोबारा ब्रश टूल भी आते हैं और अब अगर हमने इसके एंगल्स को दिखाना है इसकी बैक साइड को दिखाना है इस बिल्डिंग की तो एक यहाँ पे क्लिक करते हैं शिफ्ट को प्रेस करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं ठीक है दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं शिफ्ट को प्रेस करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं ठीक है और रेजर टूल लेके इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं ठीक है जी तो अगर आप कोई बिल्डिंग्स बनाना चाह रहे हैं कोई बॉक्सेस बनाना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह से आप लोग अपने बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं बिल्डिंग्स क्रिएट कर सकते हैं उसकी बैक साइड दिखाने के लिए और इस पर्सपेक्टिव ग्रिड को इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है जी तो यहाँ पे एक और काम करते हैं फाइल में जाते हैं न्यू में करते हैं और इसको क्रिएट करते हैं यहाँ से जी दोबारा इसको इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं और इसको फिल कर देते हैं वाइट कलर के साथ अब यहाँ पे हम लोग टू पॉइंट एक परस्पेक्टिव बनाते हैं ठीक है पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बिल्कुल सेंटर में क्रॉप टूल से देख लेते हैं इसका सेंटर कहाँ पे है जी यहाँ पे इसका सेंटर है राइट सो so ये एक लाइन ड्रॉ कर दी दोबारा से आते हैं जी पॉलीगॉन पॉलीगॉन टूल के अंदर और यहाँ से अपनी सेटिंग्स को एडजस्ट करें इसको थोड़ा out करते हैं और यहाँ से एक पर्सपेक्टिव ड्रॉ करते हैं ठीक है जी दोबारा टूल लेते हैं जी और उसके बाद यहां पे एक और वैनिशिंग पॉइंट ड्रॉ करते हैं ठीक है और वापिस अपने प्लेन के अंदर आते हैं तो कुछ इस तरह से हमें दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई मिलेंगी टू पॉइंट परस्पेक्टिव में आप कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप एक टू डी व्यूज़ को दे सकते हैं टू पॉइंट परस्पेक्टिव के अंदर यहाँ से दोबारा से ब्रश टूल लेते हैं लेयर्स में जाते हैं न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और एक बिल्डिंग बनाते हैं जी ठीक है तो एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर हमें समझ आए आ, इसके बाद अगर मैंने इस बिल्डिंग को टू डायमेंशनल में दिखाना है तो मैं कुछ इस तरह से दिखा सकता हूँ ठीक है ये उसकी एक साइड है और यहाँ पे उसकी दूसरी साइड है तो यहाँ पे एक्जैक्टली हम उस लाइन को तो फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी ऊपर है लेकिन कोशिश करेंगे हम उसके पैरल उसको लेके कर चलें सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो कि टू पॉइंट परस्पेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही जी इसकी बैक साइड पर एक बिल्डिंग क्रिएट करते हैं ठीक है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर की तरफ उसके बाद इस लाइन को फॉलो करते हैं उसके बाद स्ट्रेट लाइन नीचे लेकर आते हैं उसके बाद इस लाइन को फॉलो करते हैं ठीक है uh, यहाँ से जी इस लाइन को पैरेलल फॉलो करते हैं और उसके बाद इसको स्ट्रेट नीचे ले आते हैं ठीक है सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली यू कैन क्रिएट टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स टू पॉइंट परस्पेक्टिव के अंदर सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने जा रहे हों तो आपके पास परस्पेक्टिव ग्रिड होना बहुत लाजमी है uh, अभी आगे जा के हम देखेंगे कि कंपोजिट्स के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप जब मल्टीपल इमेजेस को उठाते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को उठाते हैं तो उसमें आपको हॉराइजन लाइन पर्सपेक्टिव और हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है uh, तो फोटोशॉप के लिए या इलस्ट्रेटर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास पर्सपेक्टिव होना चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकें सो so, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा uh, कुछ पॉइंट्स क्रिएट करके देखें वन पॉइंट पर्सपेक्टिव टू पॉइंट पर्सपेक्टिव और ऑब्जेक्ट्स को ड्रा करके देखें एंड लेट्स सी कि आपके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन थैंक यू सो मच